जी स्टूडेंट्स, हम बाकी सबका एक मिनट इंतज़ार करते हैं। जैसे ही सब ज्वाइन करते हैं हम प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे सेशन को। मीनवाइल बच्चों, जो आपको लिंक दिया था वीडियोस के, प्लीज़ उस लिंक को विजिट कर लें और मुझे बता दें कि आपका जो वीडियोस हैं वो आपको दिख पा रही हैं या नहीं, विजिबल हैं या नहीं। सुनो, जरा जल्दी चेक कर लीजिएगा। सेशन के अंदर कुछ टारगेट्स थे वो हमें कवर करने हैं अभी। जी बच्चों, पेंच अच्छा जी, मैं एक मिनट के लिए अपनी स्क्रीन शेयरिंग रोक रहा हूँ। मीन वेल, अगर आपको कोई सवाल है तो वो ज़रूर पूछिएगा। जी बच्चों, कोई सवाल है तो आप पूछ लें, मैं मीन वेल कुछ चेक कर लूँ कि एक्चुअली इशू क्या है। अच्छा बच्चों, वो आप जल्दी से वो देख लीजिएगा वीडियो, वीडियो में कोई इश्यू है तो जरूर बताइए। इस पब्लिक लिमिटेड कंपनी की जो सालाना चैलेंज, ठीक है बच्चों, चले हम, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ आपसे और हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक, चले बच्चे। अच्छा बच्चों, आप एक काम कीजिएगा अपने अच्छा बच्चों, जो कह रहे हैं कि 15 मिनट्स की वीडियो दिख रही है, मैंने दोबारा चेक किया अपने एंड पे, मुझे पूरे 40 मिनट्स की वीडियो दिख रही है। आप इसको दोबारा रिफ्रेश कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको दिख जाएगी। फिर भी कोई इश्यू हो तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, बट मैं चाह रहा हूँ हम इसमें जल्दी जल्दी देखें। चलें स्टार्ट करते हैं हम जहाँ पर थे। एलाइड सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से हम, और हम एक काम करते हैं, हम 30 सेकेंड्स और रुक जाते हैं ताकि कुछ स्टूडेंट्स अगर रह गए हैं वो भी हमें ज्वाइन करें। मैं ग्रुप में मैसेज भी छोड़ देता हूँ। ठीक, चलें जी, आई बिलीव आप उस समय आना शुरू हो जाएंगे। हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने काम को रोका था ताकि हम ज़्यादा डिले ना करें काम को। ठीक है, अच्छा आप बात कर रहे थे यहाँ पर एलाइड सर्विसेज लिमिटेड की। एलाइड सर्विसेज लिमिटेड जो है, इनकी इनकम थी दो तरह की, एक इनकम फ्रॉम बिजनेस था और एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी थी। हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को लेकर चल रहे हैं बिकॉज इनकम फ्रॉम बिजनेस की टोटल वैल्यू गिवन है, पहले से बता दी गई है, इसको कैलकुलेशन करने की फिलहाल इस सवाल में तो एटलीस्ट जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, रेंट चार्जेबल टू टैक्स निकालने के लिए जो भी इनके पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी थी, जो कि मंथली रेंट था, जो भी मंथली रेंट था उस मंथली रेंट के नंबर्स, जो भी मंथली रेंट था उस मंथली रेंट के 15 अच्छा ठीक है, सही, मुझे सॉरी, मैं चैट देख रहा था, आप लोगों की डिस्ट्रैक्शन थी। चले मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो आपके पास जो भी मंथली रेंट था, आपके पास 18 लाख रुपए का, इसको आपने मल्टीप्लाई किया 12 के साथ, तो आपके पास 20 लाख, 21 लाख 6, ओके 21.6 मिलियन आ गया आपके पास। अब इसके बाद रिपेयर एंड अलाउंस का देखते हैं सवाल में। सवाल के अंदर सबसे पहले जो चीज गिवन है
वो ग्राउंड रेंट गिवन है। तो हम एक काम करते हैं, जिस तरतीब में सवाल में चीजें गिवन है हम उसी तरतीब में लेके चलते हैं, ताकि जब आप सवाल सॉल्व कर रहे हो एग्जाम में तो आपको भी कोई मुश्किल ना हो। सबसे पहले सवाल में मौजूद है ग्राउंड रेंट। ग्राउंड रेंट की वैल्यू याद रखेंगे, सवाल में गिवन होगा तो इस्तेमाल करेंगे, वरना नहीं। तो हमारे पास ग्राउंड रेंट है इस सवाल के अंदर 16 लाख रुपए, तो हम इस 16 लाख रुपीज को हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। ठीक, इसके बाद हमारे पास रिपेयर एक्सपेंसेस ऑन प्रॉपर्टी सवाल के अंदर मौजूद है 98,80,000। लेकिन याद रखिएगा, रिपेयर अलाउंस, रिपेयर एक्सपेंसेस चाहे जितने भी गिवन हो, आपने एक्चुअल अमाउंट को नहीं देखनी, आपने बस 1/5 ऑफ द आरसीटी यानी कि रेंट चार्जेबल टू टैक्स है उसकी अमाउंट ले लेनी है, आपने एक्चुअल को नहीं देखना। तो हमने करना ये है कि जो भी मेरे पास अमाउंट बनी है मैं इसका 1/5 निकालूंगा, और जो भी अमाउंट निकलती है मैं इस अमाउंट को लेकर आगे चलूंगा। तो मल्टीप्लाई बाय 1/5, मल्टीप्लाई बाय 1/5। ठीक, अच्छा ये हो गया रिपेयर एक्सपेंसेस ऑन प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारे पास कलेक्शन चार्जेस पेड फॉर द प्रॉपर्टी इज 2 लाख 20 लाख। अब यहाँ पे बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस। एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्शन चार्जेस में एक्चुअल अमाउंट जो हमारे पास सवाल में गिवन है दैट इज 2 लाख। अब साथ ही साथ याद रखिए, एडमिनिस्ट्रेशन और कलेक्शन चार्जेस में हमें देखना है कि एक्चुअल अमाउंट हमने कितनी पे की थी, और 6% या 4% ऑफ आरसीटी क्या बन रहा है। चूंकि सवाल जो है हमारा वो 2020 का है, तो हम जो यहाँ पे आरसीटी के लिए रेंट जो परसेंटेज इस्तेमाल करेंगे वो 6% इस्तेमाल करेंगे, और आरसीटी का 6% निकालते हैं और ये बन रहा है 1.2 मिलियन। तो हम क्या करेंगे कि इसमें जो भी लोअर अमाउंट होगी वो इस्तेमाल करेंगे, और जो लोअर अमाउंट है वो हमारी है 2 लाख। तो हम इस 2 लाख में से, सॉरी दैट इज 20 लाख, 1-0। अच्छा सॉरी, इसमें अब लोअर अमाउंट जो बनती है वो ये है जो हमने कैलकुलेट की है, हमने वो ले ली 1.2 मिलियन। अच्छा जी, अब इसके बाद देखें एडवांस टैक्स विद होल्ड विद हेल्ड बाय टेनेंट। ये एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन हम अभी नहीं करेंगे, हमने जो फाइनल अपनी टैक्स फाइनल जो आपने टैक्स अमाउंट निकाल लेनी है, निकालने के बाद इस एडवांस टैक्स को उसमें से माइनस करना है। ये वो टैक्स है जो आपके किराएदार ने एडवांस में ही अपने किराए के अंदर शामिल करके हुकूमत पाकिस्तान को पे कर दिया था, तो अब इसको आपने यहाँ से माइनस करना होगा कि बिकॉज ये ऑलरेडी पहले पहुंच चुका है हुकूमत पाकिस्तान के पास। अच्छा जी, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि टोटल हमारी रिडक्शन कितनी होने वाली है। टोटल जो हमारी रिडक्शन है वो है 7,260,000, 7.2 मिलियन। अच्छा, इसके बाद हम जो भी अमाउंट आपके पास आई थी उसमें से माइनस करेंगे रिडक्शन के अमाउंट को, और आपके पास ये बनती है 14.38 मिलियन। ये आपके पास बनी है टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सवाल में अगर गौर से देखें तो टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के साथ इनकम फ्रॉम बिजनेस भी गिवन है। अच्छा, अब अगर मैं सवाल सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए सॉल्व कर रहा होता तो क्या होता तरीका मेरा, मैं 90% 29% का रेट लगा देता इसके ऊपर, 29%, और सवाल मेरा यहाँ पर सॉल्व हो जाता। लेकिन इस सवाल के अंदर दो एडिशनल चीजें हैं पिछले सवालों के मुकाबले में। पहली एडिशनल चीज ये है कि इस सवाल के अंदर विद होल्डिंग टैक्स दिया हुआ है, दूसरा इसके अंदर बिजनेस इनकम भी गिवन है। तो याद रखिएगा, बिजनेस इनकम और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम बिजनेस दोनों को सम अप करेंगे, टोटल इनकम निकलेगी और उस पर रेट लगाया जाएगा। अच्छा, या अब दोनों पे एक साथ रेट क्यों लगाएंगे, याद रखिएगा, अब एक आदमी है उसके 5 डिफरेंट तरह के हेड ऑफ इनकम्स हो सकते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। इनकम फ्रॉम सैलरी की कैलकुलेशन ऑल द वे डिफरेंट है, और उसकी कैलकुलेशन के बाद उस पर जो टैक्स परसेंटेज अप्लाई होती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल अप्लाई की जाती है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन का तरीका ये है कि जो भी आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी निकालते हैं, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी निकालते हैं, उसका 29% आपका टैक्स अमाउंट होता है।
लेकिन इसके साथ साथ जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है उसका भी कैलकुलेशन का तरीका यही है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस निकाली जाती है, उसका भी 29% आपको देना पड़ता है टैक्स का। तो दोनों का तरीका एक जैसा है, तो इसीलिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम बिजनेस को कैलकुलेट एक साथ किया जा सकता है। अच्छा, अब ये 29% कहाँ से आया? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में आप ढूंढेंगे तो आपको वहां से मिल जाएगा, लेकिन अगर आप जल्दी काम करना चाह रहे हैं तो आप इसे गूगल भी कर ले। मैंने टैक्स ऑर्डिनेंस में देखा, डॉक्यूमेंट बड़ा था, पढ़ने का टाइम इतना नहीं था, तो मैंने गूगल करके देख लिया टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम बिजनेस इन पाकिस्तान, और ये हमारे पास आता है टैक्स रेट इज 29% जो हम इस्तेमाल करेंगे, जो कि अभी तक सिमिलर कंपनी था, ओवर टैक्स आर 29% दैट ग्रेजुअली रिड्यूस बाय 1% अंटिल, ठीक है जी। तो अभी फिलहाल जो चल रहा है दैट इज 29%, हम 29% ही को लेकर आगे चलेंगे। हम ये अज्यूम करेंगे कि जो हमारे पास टैक्स रेट अप्लाई होना है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, वही टैक्स रेट अप्लाई करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस के। तो हम एक काम करते हैं, अपनी टोटल इनकम निकाल लेते हैं और उसके ऊपर एक साथ ही टैक्स की अमाउंट अप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे काम करते हैं कि टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस, और सवाल में जो टैक्सेबल इनकम निकली है फ्रॉम बिजनेस दैट इज 4,36,75,000। तो ये है हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब यहां निकलेगा टोटल इनकम दिस प्लस दिस, दिस इज अवर टोटल इनकम। ठीक, ये आई हमारे पास टोटल इनकम की वैल्यू। अब इस टोटल इनकम की वैल्यू के ऊपर आप टैक्स अप्लाई करेंगे, और वो टैक्स अप्लाई किस तरीके से करना है हम वो अभी देखते हैं। टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, तो इस कोड के यहां पर हम लोग टोटल टैक्सेबल इनकम का वर्ड इस्तेमाल करें, वो ज्यादा सही रहेगा। और ये आता है आपके पास 29%। अब ये 29% कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? कैलकुलेशन का तरीका सेम है, सिमिलर है बिल्कुल। आपकी जो भी टोटल इनकम आई है उसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 29% से। ठीक, कैलकुलेशन का तरीका बहुत सिमिलर है, दिस मल्टीप्लाई बाय 29%, दिस इज योर टोटल टैक्स पेड ड्यूरिंग द पीरियड। अच्छा, अब आपको ये पता है कि इतना टैक्स तो आपने अदा करना है, लेकिन कुछ टैक्स आप ऑलरेडी पहले ही अदा कर चुके हैं, उस टैक्स को भी यहाँ एडजस्ट करना होगा, जैसे एडवांस टैक्स विद हेल्ड बाय टेनेंट, इसे आप लेस करेंगे एडवांस टैक्स की, एडवांस टैक्स के अंदर ये हेडिंग बना देते हैं पूरी की पूरी, एडवांस टैक्स में जो सबसे पहली चीज आई थी आपके पास वो आई थी विथ होल्डिंग टैक्स बाय टेनेंट, और इसने कितना टैक्स पे किया था? 32,40,000। तो 32,40,000, ठीक है, आपने जो भी टैक्स की अमाउंट देनी थी 16 मिलियन, इसमें से ये अमाउंट माइनस करेंगे, जो भी आपकी रिमेनिंग अमाउंट बनेगी यही आपकी
दैट इज टोटल टैक्स पेबल। ये है आपके पास इलस्ट्रेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ नीचे भी मिल जाएगा अगर आप देखना चाहें तो। ठीक, मीनवाइज मुझे क्वेश्चन आया है सर, बट मैंने दोनों क्यों नहीं। ठीक है, ये मुबारका कुर्बान की तरफ से क्वेश्चन आया है। मुबारका कुर्बान, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन पूछिएगा अपना। जी जी मुबारका कुर्बान, क्वेश्चन पूछिए अपना। जी 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 बहन, सवाल पूछिएगा। अच्छा ठीक ठीक अच्छा, सवाल आपका ये बहन कि हमने इन दोनों को सेपरेटली क्यों नहीं लिया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैं आपका माइक थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रहा हूँ, थैंक यू, आपने खुद कर दिया। अच्छा बहन का सवाल ये है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम बिजनेस को हमने सेपरेटली क्यों नहीं किया, एक साथ क्यों कर लिया। इसकी एक वजह थी कि दोनों पे जो टैक्स रेट अप्लाई होना है वो 29% ही अप्लाई होना है। हम अगर चाहें तो अलग अलग कर भी सकते हैं, तो 29% इस अमाउंट का ले लें और 29% इस अमाउंट का ले लें और आखिरकार हम दोनों को प्लस कर दें, तो उस सूरत में भी आपके पास अमाउंट वही आएगी जिस अमाउंट पर हम इस वक्त खड़े हुए। ठीक, तो ये वजह थी 436। जी और सवाल है एक। अच्छा आसिफ अली, आपका जो क्वेश्चन है वो आपको डिपार्टमेंट प्रॉपरली गाइड कर लेगा। ठीक है, अच्छा बच्चों ये हो गया हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 6 कंप्लीट। इलस्ट्रेशन नंबर 6 के बाद हम इलस्ट्रेशन नंबर, अच्छा एक बात और नोट कीजिएगा, एडवांस टैक्स हेल्ड बाय टेनेंट, एक मिनट रुक जाए मैं जरा एडवांस टैक्स की बात कर लूं, एक मुझे जरा क्रॉस चेक वेरिफिकेशन करनी। एग्जैक्टली वही अमाउंट लग रही। चलो मैं नंबर्स वेरीफाई कर लूं कि जो नंबर्स हैं हमारे टोटल। अच्छा बच्चों सवाल सॉल्यूशन देख लीजिएगा जरा, इस सॉल्यूशन में एक छोटी सी मैथमेटिकल एरर है वो जरूर देख लीजिएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस टैक्स एंड टोटल इनकम ऑफ द कंपनी। ठीक है, अच्छा जी बेटा एक और चीज देख लीजिए, क्या नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट है इस सवाल के अंदर। रिपेयर अलाउंसेज इज टू बी गिवन एज 1/5 ऑफ आरसीटी, ये तो हम देख चुके हैं। मिनिमम लिमिटेड कलेक्शन ऑफ 6% आरसीटी, हमने भी यही लिया था। इसके बाद अटेंडेंट विल रिड्यूस 15। देखिए पॉइंट नंबर 3 देखिएगा, जो 15% की बात की गई थी यहाँ पर, ये रहा 15% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ द रेंट वुड बी कंसिडर्ड एज एडवांस रेंट और इसे आप विद होल्डिंग टैक्स कहेंगे। ये 15% जो यहाँ पे मौजूद है, यही 15% के बारे में, लेकिन इस सवाल के अंदर 15% विद होल्डिंग टैक्स की बात नहीं की गई, इसमें सिर्फ अमाउंट दे दी गई है 32,40,000 रुपया। ये 32,40,000 रुपया 15% है आपके टोटल अमाउंट का। मैं यहाँ पे क्रॉस चेक करके देखा भी इसको कि जो आपके पास जो भी आरसीटी बन रहा है, इस आरसीटी का मैं अगर 15% निकालता हूँ तो एग्जैक्टली आपकी विद होल्डिंग टैक्स की अमाउंट बन रही है जो के सवाल में गिवन थी, यहाँ पर 32,400, यहाँ भी 32,400 ही कैलकुलेट करने पर आया। आगे चलते हैं बच्चों, इसके बाद अलाइड सर्विसेज विल एडजस्ट द एडवांस टैक्स अगेंस्ट द टैक्स, ठीक है, फॉर द टैक्स ईयर ऑनवर्ड द टैक्स रेट ऑफ द कंपनी इज 29%। ये देखो 29% की जो बात हुई थी वो यहाँ पे हमें मिल गई जो हमने गूगल में सर्च किया था। फिर इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, थोड़ा हमें तेज तेज चलना होगा और शायद मैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो है वो आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दे दूं।
ठीक है मोहम्मद उमर, आपका इश्यू मैंने देख लिया। इश्यू नंबर 7 देखें, सपोर्टिव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रोवाइड्स द कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द ईयर एंडेड जून 30 2020, पिछले साल की बात है। इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम डिविडेंड, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रेंटेड आउट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम पेड बाय हाउस बैंक फाइनेंस कंपनी, देन ग्राउंड रेंट पेड, देन रिपेयर इन रिपेयर एक्सपेंडिचर, देन म्यूनिसिपल टैक्स पेड और देन अनरियलाइज रेंट आपके पास मौजूद है। कैलकुलेट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बाय द कंपनी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ प्लस माइनस है और ऐसा इस सवाल में कुछ नई चीज नहीं है। इंश्योरेंस एंड नहीं, इस सवाल में बस एक नया कॉन्सेप्ट है, वो जरा क्विकली रिव्यू कर लेते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। इस सवाल के अंदर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी गिवन है ये 32,000 रुपया, ये सॉरी 22 मिलियन है, 32 मिलियन। रिपेयर अलाउंसेस भी मौजूद है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि हम पूरा देख सकें इसमें। ठीक है, बस बच्चों एक चीज का ख्याल रखना है आपने इसमें, जो नई चीज है वो है रेंटल इनकम पेड बाय एच पेड टू HBFC। HBFC इज होम बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी है एक, जो कि काम करती है। इसका काम क्या होता है कि किसी बंदे को घर बनाने के लिए पैसे चाहिए तो उसे लोन दगा देते हैं। तो आपने अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि अगर कोई शख्स किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाता है हेल्प लेने के लिए कि मुझे पैसे चाहिए अपने घर के बनाने के लिए, तो उस सूरत में वो जितने भी पैसा देता है उतना ही शेयर ले लेता है इनकम में से, प्रॉपर्टी की इनकम में से। तो यहाँ पर हम शेयर अदा कर रहे हैं 1.7 मिलियन। तो ये 1.7 मिलियन जो है हमारे पास, ये हम अदा करेंगे और इसे हम डिडक्ट करेंगे अपनी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से, क्योंकि ये इनकम है HBFC की। तो HBFC इसकी टैक्स अदा करेगा, हम अदा नहीं करेंगे, जिसकी आमदन वही टैक्स अदा करेगा। अच्छा मैं एक मिनट के लिए यहाँ रुकूंगा क्योंकि इस सेशन में मैंने अभी तक सवाल नहीं पूछे आप लोगों से। सवाल है मोहम्मद इकबाल से, माइक जरा अनम्यूट कीजिएगा अपना। मोहम्मद इकबाल, यस सर। ठीक है, अच्छा बच्चों मैं फिर रिपीट करूँ, ये सवाल जो पूछे जा रहे हैं आपसे ये सिर्फ सिर्फ इसलिए भी पूछे जा रहे हैं ताकि आप थोड़े से अटेंटिव रहें और आप गौर से मेरी बात सुने, इस उम्मीद पे कभी भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। मुझे बताएं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स रेट कितना होता है? सर 29%। ठीक ठीक चल, थैंक यू। मेरा एक और सवाल है और ये सवाल है मेरा मोहम्मद उमैर, तो अभी हमें ज्वाइन किया है उन्होंने। अली मोहम्मद से, अली मोहम्मद माइक अनम्यूट कीजिएगा। अली मोहम्मद माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी सर। अली मोहम्मद मुझे एक बात बताइएगा कि हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेशन और कलेक्शन चार्जेस हैं उस पे टैक्स रेट कितना अप्लाई, मतलब उस पे कैलकुलेशन के लिए RCT का कितने परसेंट होता है वो? सर वो 20% भी कर सकते हैं और 5 एक हिस्सा भी। चलो फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं कलेक्शन चार्जेस की बात कर रहा हूँ, कलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस की। सर वो तो नहीं है, ये 6% और 4% जो है। जी एग्जैक्टली, जी एग्जैक्टली, ऐसा ही जी। अली आपका एक सवाल, 6% उस सूरत में के जो करंट ईयर का और न्यू ईयर का कर रहे हो। करंट ईयर नहीं, 2020 और 2021 का मामला, 2021 है तो आप 4% लेंगे और पिछले सालों का है मेन 2020 का है तो आप 6% लेंगे। रीजन क्या है कि 2020 में या उससे पहले सालों में ये 6% था, अभी जो हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रिवाइज हुआ है इसमें ये अब 4% कर दिया गया। ठीक है, अब अली आसिफ अली आपका सवाल है, जी सवाल पूछिएगा। सर कोई सवाल नहीं है। चल हैंड में आपका अंदेज था वो डाउन कर देता हूँ। सना इकबाल माइक जरा अनम्यूट कीजिएगा अपना। जी सर। ठीक है बहन, मेरा आपसे सवाल ये है
कि आरसीटी क्या चीज होती है? आरसीटी रेट चार्ज टैक्स, नहीं यही होता है ऐसे ही? जी सर। पक्की बात? लेकिन यहाँ तो कुछ और लिखा हुआ, यहाँ तो कुछ और लिखा, ये देखिएगा सॉल्यूशन, ये यहाँ तो हमने कुछ और लिखा हुआ। आरसीटी का फुल फॉर्म दिख रहा है आपको? रेंट चार्जेबल टैक्स था ना सर। ठीक है जी, रेंट चार्जेबल टैक्स। अच्छा बहन ये बता दें, आरसीटी जो रेंट चार्जेबल टैक्स है, अगर सवाल में कहा हो कि हमने कलेक्ट किया है एक बंदे से रेंट 40,000 रुपया साल में, और एक जो बिल्डिंग अथॉरिटीज हैं वो ये कहती हैं कि नहीं जी आपकी बिल्डिंग पे जो टैक्स बनता था वो बनता था, सॉरी जो रेंट बनता था वो 40,000 नहीं बनता था, वो 55,000 बनता था, तो इस सूरत में हम किसकी बात को कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे, 40,000 या 55,000? सर 40,000। ओहो हो 40,000। मैं सवाल दोबारा रिपीट कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि इनमें से आप में से कोई भी इसको आंसर करना चाहे तो कर दें। सवाल ये है कि आपने एक प्रॉपर्टी रेंट आउट की है और उस प्रॉपर्टी पे आपने टैक्स के अमाउंट जो कलेक्ट की है वो सॉरी रेंट के अमाउंट जो कलेक्ट की है वो रेंट अमाउंट है 40,000 पर मंथ, लेकिन जो टैक्स अथॉरिटीज हैं उन्होंने डिक्लेयर की थी कि आपकी प्रॉपर्टी का रेंट होना चाहिए 55,000। आप इस सूरत में बताइएगा कि आप कैलकुलेशन में 40,000 इस्तेमाल करेंगे या 55,000? जी सद्दाम आंसर कीजिएगा। ठीक थैंक यू। तो बहन हमें 40,000 नहीं 55,000 इस्तेमाल करना होगा। ठीक अच्छा जी, अब हम चलते हैं टैक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी इनकम फॉर कंपनीज टैक्स ईयर 2021 2021 के लिए चलते हैं। ठीक है मुबारक, हम आपका आंसर मिल गया मुझे चैट पे। द टैक्सेशन प्रोसीजर ऑफ द प्रॉपर्टी इनकम विल रिमेन द सेम इन 2021 2021 में टैक्सेशन प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा सिवाय एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस के, जो कि पहले 6% था और वो अब हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा 2% से और अब वो 4% है। बाकी पिछले साल यानी कि 2020 में जो जिन लोगों ने टैक्स पढ़ा था और जो 2021 में टैक्स फाइल करने जा रहे हैं उन दोनों की कैलकुलेशन में सिर्फ एक ही फर्क है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस की परसेंटेज, जो पहले 6% थी अब वो 2% से कम होकर 4% हो गई है। अब हम इलस्ट्रेशन 8 की तरफ जाते हैं, इलस्ट्रेशन 8 को प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। इलस्ट्रेशन 8 देखते हैं हम। इलस्ट्रेशन 8 के लिए हम पहले अपना सबसे पहले उनको आमने सामने कर लेते हैं ताकि हमें एक ही विंडो पर दिखता रहे। इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं। इलस्ट्रेशन 8 के अंदर यह है कि कंपनी का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा फॉर्मेट के अंदर, टैक्स एयर जो सवाल के अंदर मौजूद। ओके इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंगेज इन रेंटिंग आउट इट्स प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड in Sargodha by its equity and loan from bank in 2015. A company है जिस company का नाम Trimp शायद लिखा हुआ है और इस company का काम यह है कि अपनी property जो है वो rent out करती है Sargodha के अंदर और इन्होंने equity and loan उन्होंने जो property खरीदी है वो कुछ अपनी जेब से इक्विटी डाली थी और कुछ लोन लिया था बैंक से 2015 के अंदर। ऑन 5th दिसंबर 2020 के अंदर। अच्छा बच्चों अब अगर मैं इस तारीख की बात करूं तो ये तारीख कौन से टैक्स ईयर में फॉल करती है? 5 दिसंबर 2020 कौन से टैक्स ईयर के अंदर फॉल करती है, 2020 या 2021? जो डेट लिखी हुई है 5th दिसंबर 2020 ये कौन से टैक्स ईयर में फॉल करेगी, 2020 या 2021? जी जिसको कोई आंसर देना है प्लीज हैंड रेस कीजिएगा अपना। सद्दाम
जी बताइएगा। ठीक ठीक तो एयर 2021 के अंदर फॉल करती है ये, तो मैं टैक्स एयर 2021 लिखूंगा और टैक्स एयर एंड 2021। थोड़ा तेज सुनूंगा बिकॉज हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए इसको खत्म करने के लिए। ठीक है जी, इनकम फ्रॉम फिर उसके बाद नीचे नीचे के मामला सेम रहेंगे। रेंट चार्जेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, अच्छा यहाँ पे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी मौजूद है और इसमें नहीं बताया गया कि मंथली है, तो इसको हम एनुअली कंसिडर करेंगे। अमाउंट है 1312520। और इसके बाद सवाल के अंदर ग्राउंड रेंट मौजूद, अच्छा रेंटल वैल्यू डिटरमाइंड बाय म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल कमेटी ने इसकी अमाउंट जो है वो डिफरेंट लिखी है, तो हम जो म्यूनसिपल कमेटी ने अमाउंट लिखी है हम वो ही लेके चलेंगे आगे, तो हम ये अमाउंट नहीं ले रहे, म्यूनसिपल कमेटी के अमाउंट ले रहे हैं। कलेक्शन एक्सपेंडिचर पेड, अच्छा और उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, अमाउंट पेड टू द बैंक बोरोड मनी, रेंट इसमें प्रिंसिपल अमाउंट इतनी पे की और इंटरेस्ट की अमाउंट इतनी पे की है, और हमें टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है इनकी। सवाल में ग्राउंड रेंट मौजूद नहीं है, मैं ग्राउंड रेंट को हटा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ग्राउंड रेंट नहीं है, इसके बाद कलेक्शन, अच्छा हमारे पास रिपेयर और चार्जेस अगर मौजूद हो तब भी और ना हो तब भी दोनों सूरतों में हम इसका कैलकुलेट करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम रहेगा। और जो भी अमाउंट निकली आरसीटी की मैं इसका 1/5 लूंगा। उसके बाद सवाल में हमारे पास कलेक्शन चार्जेस पेड, कलेक्शन एक्सपेंडिचर पेड है। अब एक्चुअल कलेक्शन एक्सपेंडिचर जो सवाल के अंदर मौजूद है दैट इज 3596000। और मैं चूंकि ये साल 2000 टैक्स ईयर है 2021 का, तो मैं 4% लूंगा आरसीटी का, काम करने का तरीका वही रहेगा 4% ले लिया। अब इसमें जो भी लोअर अमाउंट है, लोअर अमाउंट आ रही है हमारे पास, ये मैं लोअर अमाउंट ले ली। इसके बाद और डिडक्शन में कुछ है? जी डिडक्शन के अंदर हमारे पास इंटरेस्ट अमाउंट की बात आई है, नई चीज़ है जो कि हमने पहले सवालों में प्रैक्टिस नहीं की। मैं इसके लिए ऊपर एक रॉ ऐड कर रहा हूँ और वहीं पर एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। और नीचे मैंने एक इंटरेस्ट पेड, देखो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट भी पे की गई है और इंटरेस्ट भी है, लेकिन मैं सिर्फ वो सिर्फ इंटरेस्ट को माइनस करूंगा बिकॉज हमें डिडक्शन में पढ़ा था कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो माइनस नहीं की जाती, सिर्फ और सिर्फ जो उसका प्रॉफिट है मीन्स उस पर हमने इंटरेस्ट पे किया है सिर्फ उसी अमाउंट को माइनस किया जाता है। ये हमारे पास आ गई अमाउंट इंटरेस्ट की जो सवाल में मौजूद थी यहाँ पर। अब टोटल डिडक्शन जो है वो देख लेते हैं कितनी है सवाल के अंदर। टोटल डिडक्शन आ रही है वो हमारे पास That is इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इस सवाल के अंदर इनकम फ्रॉम बिजनेस मौजूद नहीं है, तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गई है जो हमने रिसीव की है, दैट टैक्स ऑन टैक्सेबल, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम दैट इज 29%। के निकालने का तरीका ये होगा कि हम पहले हम चले गए थे इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होने वाली है। और ये अमाउंट 29%। ठीक है,
तो आई बिलीव यहाँ तक हमारा सवाल मुकम्मल हो जाता है, लेकिन इसमें एक और चीज भी है जो कि हमने ऊपर सवाल में पढ़ी नहीं थी, उसको हम डिटेल में भी देखते हैं, दैट इज टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम 29%। यहाँ पे हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है, लेकिन एक और चीज है, ऑन 5th December 2020 द कंपनी गॉट इटसेल्फ रजिस्टर्ड एट लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, द डिटेल रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी। अच्छा ठीक है, देखिए देखिएगा, ये जो एक लाइन है ना, ऑन 5th December 2020 द कंपनी गॉट इटसेल्फ रजिस्टर्ड एट लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि ये सवाल जो है, जो कंपनी सरगोधा में काम करी है लाहौर के अंदर आता है, तो इसलिए वहां पे लाहौर स्टॉक एक्सचेंज में इस कंपनी ने खुद को रजिस्टर करवाया है। याद रखो, जब भी कोई कंपनी जिस साल खुद को लाहौर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवाती है, उस साल उसे टैक्स में प्रोविजन मिल जाता है, टैक्स में थोड़ी छूट मिल जाती है। अच्छा, ये छूट क्यों दी जाती है? इसलिए ताकि उसको थोड़ा सा फाइनेंशियली बैकअप मिल सके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और वो ज्यादा खुद को ग्रो करके दिखाए फ्यूचर में। तो इसीलिए ये प्रोविजन मिलती है कंपनीज को, जो सिर्फ उस पहले साल जिस साल वो खुद को रजिस्टर करवाएंगे, इन्होंने साल 2020 में रजिस्टर करवाया, ये हमारा टैक्स ईयर बनता है 2021, तो इस टैक्स ईयर में हमें ये प्रोविजन मिलेगी, और ये प्रोविजन जो मिलने वाली है ये मिलेगी हमें तकरीबन 20% प्रोविजन मिलेगी। अच्छा सर, एक और चीज, इसमें ग्रॉस रेंट के बारे में बताया नहीं था, अब हम ग्रॉस रेंट वगैरह है वो भी इसके अंदर एड अप करते रहेंगे, तो अब इसमें से लेस करेंगे हम, थोड़ा सा जल्दी चलाने की कोशिश करते हैं इसे। सना, एक बार मैं आपका क्वेश्चन लेता हूं, पहले मैं इसको जल्दी से खत्म कर सकूं, थोड़ा सा इश्यू हो रहा है शायद मेरे माउस में। चले जी, मैं आगे लिख लेता हूँ, खैर हो गया। सना, मैं आपका आंसर लेता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ। सवाल में एडवांस टैक्स के बारे में जिक्र नहीं है, दैट इज विदहोल्डिंग टैक्स। विदहोल्डिंग टैक्स हमेशा 15% लिया जाता है। आप चूंकि जो कॉन्सेप्ट हम सीखते चले जाएंगे, अगले सवाल में वो मौजूद हो या ना हो, हम उसे जरूर इस्तेमाल करेंगे। एडवांस टैक्स दैट इज 15%, यहाँ पे लिखेंगे विदहोल्डिंग टैक्स। और इसको निकालने का तरीका ये है कि जो भी आपका पास, आप इसका 15% इस्तेमाल करेंगे। ठीक, साथ ही साथ आपको एक टैक्स प्रोविजन भी मिलेगी इस सवाल के अंदर। वो जो टैक्स प्रोविजन मिलेगी वो 20% मिलेगी, 20% प्रोविजन रजिस्ट्रेशन इन स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी ने खुद को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवा लिया, तो इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से उसे टैक्स प्रोविजन मिल रही है 20%। अच्छा, ये 20%, इसके लिए हमें एक लाइन और ऐड करनी पड़ेगी, एक लाइन और ऐड कर लो। अच्छा बच्चों, हमारा जो क्लास है उसके लेसन 1 मिनट बाकी रह गया है, मैं क्लास को यहीं पे रोक देता हूँ, और इस सवाल को कंप्लीट करने के बाद ये जो फाइल है मैं आपसे शेयर कर दूंगा। अगली क्लास में इंशाल्लाह मिलेंगे हम मंडे को, अपना ख्याल रखिएगा, और मैं ये क्लास कंप्लीट करने के बाद क्लास भी अपलोड कर देता हूँ, और ये क्वेश्चन की फाइल भी आपको अपलोड करके दे दूंगा, और सोल्यूशन आपके पास यहाँ पर इस टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और ये लास्ट एक लाइन रह गई है, मैं ये जैसे टाइप कर लेता हूँ, मैं ये फाइल आपको अपलोड कर दूंगा, और जो हमारे पास रिकॉर्डिंग की टाइम था 40 मिनट्स का स्लॉट था, वो यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो मैं भी आपके सामने करता हूँ, बीच में ही ये रिकॉर्डिंग रुक जाएगी, लेकिन सोल्यूशन आपको आप तक पहुँच जाएगा।